विधानसभा चुनाव को लेकर दिल पर पत्थर रखकर मायावती बोले कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दूंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। बुधवार को मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोर तोड़ में लगी हुई है, मैं उनका यह मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। कांग्रेस की नीतियों से सहमति न जताते हुए भी बसपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करेगी। अगर राजस्थान में भी कांग्रेस को समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी तो वहां भी बसपा उन्हें समर्थन देगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बसपा के 2 और राजस्थान में 6 विधायक चुनकर सामने आए हैं। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा है कि इन 3 राज्यों की जनता बीजेपी के गलत कामों से दुखी हो गई है, इसी कारण चुनाव में बीजेपी को वापस आते हुए नहीं देखना चाहती थी। बीजेपी अपनी गलत नीतियों की वजह से हारी है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ा वादा मिला है जिसको 2019 में भी भुना सकती है।